हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए, अगर जो जिम में बिगनर रहते हैं उन्हें थोड़ा कम नॉलेज होती है, नॉलेज में भी सबको होती है, बट उन्हें थोड़ा जो किसी की फील्ड में नए होते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, कुछ चीज़ें उनके लिए क्वाइट चैलेंजिंग हो जाती है। तो वो चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ कि वो चीज़ जो चैलेंजिंग चीज़ें आपके सामने आती हैं उसे कम कैसे करना है। पहले तो आपको जब जिम में जाओगे शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी कॉन्फिडेंस खुद का हाई होना चाहिए। और जब भी आप, दूसरी बात, जब भी आप इस जिम में जाके स्टार्ट करोगे तो अच्छे से पहले अपना 10 से 15 मिनट अपना अच्छे से पूरे बॉडी वर्कआउट या वार्म अप कर दो। वार्म अप इन डायनामिक होना चाहिए, जिसमें कि बस ट्विस्टिंग, फॉरवर्ड बैंड, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, ग्लूट स्ट्रेच, आप पूरी बॉडी को एक बार स्ट्रेच कर देना है। देन उसके बाद जो भी आपका सीक्वेंस रहेगा, बाइसेप रहेगा, ट्राइसेप मारना है, चेस्ट मारना है, बेंच मारना है, या कोई भी आपके अगर अदर एक्टिविटी वो करनी है तो उसमें फोकस करना है। फिर थर्ड चीज़ इम्पोर्टेंट, लिसनिंग, एक लिसनर बनिए कि जब आप जिम में जा रहे हो सबको पहले देखिए कि कोई कौन सी एक्सरसाइज कौन कैसे कर रहा है, उससे पहले उस चीज़ को पकड़िए कि किस टेक्निक में मुझे करना है, अपनी टेक्निक पे वर्क कर कीजिए, ना कि वेट पे। वेट तो आप मैं 2 दिन में 10 से 20 किलो पे मार लोगे, बट भाई टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट होती है, टेक्निक के साथ में मारना। अगर मैं 100 किलो बिना टेक्निक के मार रहा हूँ, मैं जर्की मूवमेंट मार रहा हूँ, तो मेरे बॉडी के लिए वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं अगर उसी वेट को आधा कर दूँ, 50 kg पे मैं अच्छे से टेक्निक के साथ मारूँ, तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो माइंड रखिए कि आपको लोड नहीं उठाना है। गधा गधा होता है ना, जैसे कि गधे को जितने भार दे दो गधा चलता रहता है, गधा नहीं बनना हमें। हमें माइंड से चलना है, हमें माइंड सेट करके चलना है। तो वेट उतना ही मारने में जितना हमारी बॉडी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ को सबसे पहले हमें इम्प्रूव कर रहे हैं। देन सेकेंड टाइम जो मैंने पीछे वीडियो में कवर अप किया था कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, तो उस चीज़ पर फोकस करना है कि हम इतनी हेल्दी डाइट लें, अच्छी डाइट लें। ऐसा नहीं कि हेल्दी डाइट का मीन्स कि हम खाली प्रोटीन ही प्रोटीन ले रहे हैं कि और अदर चीज़ सब आपको सब चीज़ वेजिटेबल ऐड करने पड़ेंगे, अच्छा खाना खाने पर, राइस खाइए कोई दिक्कत नहीं है, रोटी खाइए कोई दिक्कत नहीं, बट सब चीज़ को मैनेज करके आपको आगे चलना पड़ेगा। थर्ड चीज़, जब जिम में जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं कि पानी इंटेक कम कर देते हैं, क्योंकि बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो वो चीज़ हम मिस कर देते हैं। टॉयलेट चले कोई नहीं, वो तो जाने वाली चीज़ है, 2 बार चले जाए, 3 बार चले जाए, कोई दिक्कत, बट पानी इनटेक को मे भी जब आप 1 आवर का सेशन आपका जिम में होता है, वर्कआउट होता है, तो 1 लीटर में भी कहूँ कि मिनिमम पानी पी के रखिए, जब से आप उसके बाद आपको डिहाइड्रेट कम होगा, तो ये चीज़ आपको फोकस रख करनी है। तो एंड जो लास्ट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़, कि टू मच इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है स्टार्टिंग टाइम में आप जिम जा रहे हैं। आपको बस अपनी वर्कआउट रूटीन ओनली 45 मिनट का रखना है, जिसमें कि आप 1 या 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन करो, उससे ज़्यादा बॉडी ट्रेन नहीं करना है स्टार्टिंग टाइम में। अगर आपको 5-6 महीने हो गया, साल भर हो गया, उसके बाद आप इंटेंसिटी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए, बट स्टार्टिंग टाइम में आपको समझ के चलना पड़ेगा। मेन चीज़ लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इंजरियों से बचना है, इंजरी नहीं होने देनी। अगर एक इंजरी होगी वो लाइफ टाइम जिंदगी भर आपको परेशान करेगी, तो आपको इंजरी फ्री होके वर्कआउट करना है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।